आदाब नमस्ते सत श्री अकाल जय महाकाल। तो अभी सुबह के बज रहे हैं छः नहीं बल्कि और पहले ही टाइम हो रहा है। तो आज हम जा रहे हैं, मेरा कुर्ता देख के शायद आप गेस लगा सकते हैं, लेकिन चलो वहाँ चल के बताती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। चाहे पड़ोस में जाएं या विदेश में जाएं, लेकिन गाड़ी चलाते समय हेलमेट जरूर ले लें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हम आ गए हैं अभी परमट, और ये देखो सरप्राइज आस्था भी हमारे साथ ही है। शिव शंभु करके आ चुके हैं, और ऐसी भक्ति आप लोग बिल्कुल ना करें, किसी ने मेरे ऊपर ही दूध चढ़ा दिया है। इस भक्ति का क्या मतलब हुआ, इस तरह दूध बर्बाद कर रहे हो, फूल बर्बाद कर रहे हो, इससे भगवान खुश थोड़ी होंगे तुम्हारी हरकत देख के। तो मंदिर के इस एरिया तक पहली बार हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतने एंड तक भी मंदिर बने हुए हैं। और यहाँ देखिए, उधर जो घाट है उधर बहुत सारी गंदगी लोगों ने कर दी, जहाँ लोग वहाँ गंदगी। ये देखो यहाँ पे कितना ही साफ सुथरा है, इसलिए आस्था यहाँ पे लेके आई है। तो शंकर जी के दर्शन राम राम करते हुए आई है, क्योंकि उनको डर लग रहा था मेरे साथ डर लग रहा था ना बहुत ज़्यादा, बिल्कुल पीछे बैठी थी कुछ बोल ही नहीं रही थी। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, कानपुर का हॉलमार्क आपको मिल जाएगा। ये देखो यहाँ भी कोई मसाला थूक के गया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अपने बाबू जानू सोना से मिलने के बाद कभी एक बार महादेव से भी मिलने आ जाना, और बताना सुकून उसने दिया या महादेव ने दिया। वैसे बाबू जानू सोना तो तकलीफ ही देते होंगे लोगों के और खर्चा, लेकिन यहाँ आओगे तो हर चीज़ मिलेगी, सुकून भी मिलेगा, और जो ज़िंदगी में जाओगे वो हर एक चीज़ महादेव ज़रूर देंगे। और एक कुर्ता मैं लाई थी हरिद्वार से, हरिद्वार का भी ब्लॉग बहुत ही जल्दी आएगा, लेकिन इससे पहले नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले महादेव, उसके बाद कुछ और। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, इतनी भक्ति मत दिखाया करो यार। यहाँ के देखो गंगा जी बोलना नहीं चाहिए, मतलब देवी समान है, लेकिन यहाँ की गंगा जी कितनी गंदी है। गंदी किसने की है, हम ही लोगों ने की है, मत किया करो। मैंने हरिद्वार में देखा था, इतना साफ जल है वहाँ का कि आप उसको पी सकते हो। और यहाँ देख लो, कहीं काई जमी है कहीं पॉलीथीन पड़ी हुई है, कहीं फूल पड़े हुए हैं। जब फूल का इस तरह अपमान ही करना है तो क्यों चढ़ाते हो, मत चढ़ाओ। भगवान नहीं कहता इस तरह चढ़ाने के लिए कि वही फूल एक बार चढ़ाओ भगवान को, वही फिर आपके पैरों में पड़े। तो महाकाल के दर्शन करके आ चुके हैं घर वापस। अभी 8 बजा है और हम लोग निकले थे 6 बजे, पूरे 2 घंटे लगे हैं, और हम लोग दर्शन करके पूरा आ गए आराम से। और आज सोमवार के दिन मैं गई थी, अगर आप थोड़ा जल्दी जाएं तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी पहुँच जाते फिर भी इतनी भीड़ हो गई थी। तो सोमवार को भी धीरे धीरे जैसे ही दिन बढ़ेगा और भीड़ बढ़ती जाएगी, इसलिए सुबह अगर आप 5 बजे जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा।